सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए NHM की एक और नई भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक बार फिर से नया नोटिस जारी कर दिया है, जिसके तहत में यहाँ पर आशा के खाली पदों को भरने के लिए बम्पर भर्ती करने जा रहे हैं। 500 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। 12वीं पास ANM डिप्लोमा धारक या फिर GNM डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीधी भर्ती है, बिना किसी एग्जाम के यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिस की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है आशा ट्रेनर। इन पोस्ट के लिए यहाँ पर 500 वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस उनके पास ANM का डिप्लोमा या फिर GNM का डिप्लोमा या फिर BSc की डिग्री नर्सिंग के अंदर या फिर BAMS, BUMS, BHMS की डिग्री होनी आवश्यक है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। आयु सीमा आपकी 25 से 65 साल के बीच में रखी गई है। सैलरी आपको NHM के रूल्स के अकॉर्डिंग पे कर दी जाएगी। फीस की अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज आप फीस जमा करा सकते हो, जैसे कि UR, EWS, BC और MBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 आवेदन शुल्क है। वहीं पर SC, ST और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए मात्र ₹250 आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर ई चालान फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट है statehealthsocietybihar.org। जॉब लोकेशन बिहार है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2020 है। तो दोस्तों, ये थी NHM की इस भर्ती की पूरी जानकारी। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। ये इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से आप पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1x1 करके रीड कर सकते हो, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। इस प्रकार से आप इस भर्ती से रिलेटेड पूरी डिटेल यहाँ से इस एडवर्टाइजमेंट में से 1x1 करके रीड कर सकते हो। और पूरी डिटेल यहाँ से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। ये इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। ये इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का ऑनलाइन पोर्टल है। यहाँ से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म 31 अक्टूबर 2020 से पहले सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।